नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और आज है 26 जनवरी और पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस इस बार मना रहा है। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक छोटी सी जानकारी जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से यूपीएससी ही नहीं, भारत के हर नागरिक को यह बात पता होनी चाहिए अपने गणतंत्र दिवस के बारे में। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट हम इस पे बातों को जानेंगे, जैसे कि इसका इतिहास, इस बार की थीम, इस बार के कार्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हर बार के कार्यक्रम में कुछ नई नई चीजें भारत सरकार के द्वारा इसमें की जाती हैं, परेड, मुख्य अतिथि कौन है, या और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें जो गणतंत्र दिवस से संबंधित भारत के सभी नागरिकों को जाननी चाहिए और खास तौर से युवाओं को, जो युवा किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या अन्य भी कोई एग्जाम हो। तो ये पूरा डिटेल उनके बारे में है और ये खास तौर से फोकस्ड हमने इसको यूपीएससी के बेस पर भी इसलिए रखा है क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स और साथ साथ मेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे कुछ बातें जो कि आप, जैसे कि ये जो पूरा हमारा देश है विविधता में एकता का प्रतीक है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो एक साथ एक इस गणतंत्र के मंच पर दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से पूरा समन्वय बनाते हुए आज का ये टॉपिक आपके लिए है। तो आइए शुरू करें क्या क्या खास बात है इसके बारे में। तो आप सभी को जैसा कि पता ही है कि इस बार 75वां गणतंत्र दिवस हमारा देश मना रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा खास बातें हम गणतंत्र दिवस के बारे में अगर हम जाने या अगर हम कहें तो गणतंत्र क्या है। गणतंत्र दिवस वह दिन है जिसे हम भारत के लोग, जो हम भारतवासी हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो लोकतंत्र, विविधता और भारत की सामूहिक भावना के पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। इनफैक्ट इसे एक राष्ट्रीय पर्व की तरह माना जाता है, ठीक है ना। और इस बार जो 26 जनवरी 2024 है, पूरा देश ये 75वां गणतंत्र दिवस इस बार सेलिब्रेट कर रहा है, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम भारतीय गणतंत्र दिवस के बारे में देखें तो ये जो है इसे राष्ट्रीय पर्व की मान्यता है। वैसे सरकारी दस्तावेज में कहीं भी उल्लिखित नहीं है राष्ट्रीय पर्व के बारे में, लेकिन राष्ट्रीय पर्व तीन तरीके से प्रतीकात्मक है हमारा, मतलब तीन प्रतीकात्मक राष्ट्रीय पर्व ऐसे हैं, जैसे एक आपका 15 अगस्त हो गया, एक 26 जनवरी हो गया और एक 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती का दिन है। तो इन तीनों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतीकात्मक रूप से मान्यता है, किसी सरकारी दस्तावेज में इसके बारे में उल्लिखित नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो यह राष्ट्रीय पर्व है जो कि भारत के संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसी उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये सब बेसिक से फैक्ट्स है, आप कहेंगे ये तो सबको पता है, तो ऑब्वियस ही बात है सबको पता है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो आप लोगों को भी और जाननी होंगी। जैसे अगर हम गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पे अगर थोड़ा बात करें कि क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे ये दिन अस्तित्व में आया, अगर हम इसकी बात करें, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को आप सभी लोगों को जानना अवश्य बनता है। इसके लेके क्या है कि आपको पता है कि हमारा देश औपनिवेशिक विरासत या औपनिवेशिक विरासत यहां पर नहीं कहेंगे, हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रह रहा है, ब्रिटिश के अंडर में काफी समय तक ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पे अपनी हुकूमत जमा के रखी थी। तो जो भारतीय थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष किया, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उससे जुड़ा हुआ है कि यह भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ है और हमारा ऐतिहासिक संदर्भ जो है भारतीय संविधान का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह आपको जानना होगा। ये आपको, आप सभी लोगों को पता है कि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन उस समय तक भारत का अपना कोई संविधान नहीं था, ठीक है। देश आजाद तो हमारा 1947 15 अगस्त को ही हो गया था, लेकिन हमारा कोई संविधान उस समय तक अपना नहीं था। उस समय तक जो कानून और शासन व्यवस्था कैसे चलता था, तो जो 1935 का उसमें भारत सरकार का अधिनियम था, इसी के एक संशोधित संस्करण के द्वारा उस समय तक सारा कानून और शासन प्रणाली चलाया जाता था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 29 अगस्त 1947 को, अब यहां से थोड़ा सा एक क्रमिक रूप से ध्यान से समझिएगा कि 29 अगस्त 1947 को भारत में एक अस्थाई संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाए। तो उस प्रारूप समिति के गठन के लिए संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, रखा गया कि अब
भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए और उस संविधान को जो समिति बनाएगी उस समिति को यानी उपप्रारूप समिति के बारे में संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया? 29 अगस्त 1947। उसके अनुसार फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, इनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया यानी संविधान सभा को बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और फिर इस समिति ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी इसने संविधान अच्छे तरीके से तैयार करके 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश कर दिया। फिर उस पर विचार विमर्श हुए, कुछ संशोधन वगैरह जो होने चाहिए जो लगा वो किया गया। उसके पश्चात ये जो प्रारूप है इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। जो संविधान सभा में से पेश किया गया तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए लेकिन संविधान के प्रमुख भाग को 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये लागू बन के सब कुछ पास तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था लेकिन संपूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हुआ कब? 26 नवंबर 1950 को। इसके पीछे भी एक वजह है, क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाले लाइन को बाद में समझेंगे, पहले नीचे वाले लाइन को समझते जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि जब आप लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को वहां पे पता होगा कि 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है, और ये दिसंबर का में होता था अक्सर कांग्रेस का अधिवेशन। तो दिसंबर 1929 का अधिवेशन था जो कि जिसे 1930 के कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन में क्या है कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला ले लिया था और तब से लेकर के जब तक देश आजाद नहीं हो गया यानी 15 अगस्त 1947 तक कांग्रेस 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाती थी। लेकिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस का डेट तो फिर 15 अगस्त 1947 हो गया, तो स्पेशल दिन था ये, तो इसी को समर्पित, तो इसी डे को समर्पित जो हमारा संविधान है इसको समर्पित किया गया कि 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू करने का उद्देश्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग यहां पे ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इस खास तौर से इस दिवस के महत्व को दर्शाने के लिए। फिर जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया तो उसके बाद उस अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी गई और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भारतीय ध्वज को फहराया और उसे चिन्हित किया। उसके पश्चात फिर 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता है तब से। तो ये इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जो आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है बहुत बड़ा समारोह है, इसपे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और खास तौर से इसका मुख्य कार्यक्रम जो है जो यहाँ पे परेड में निकाली जाती है, तो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है। इस कार्यक्रमों में हम ये देखेंगे कि जो फिक्स है जो हर बार होता ही होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस बार क्या खास है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट। तो कार्यक्रमों का एक क्रम है यहाँ पे, एक सिस्टमैटिक है कि पहले ये कार्यक्रम होगा फिर ये कार्यक्रम होगा फिर ये कार्यक्रम होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे वैसे तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है लेकिन जो कार्यक्रम वाली बात हो रही है मुख्य रूप से राजधानी नई दिल्ली में मनाया जाता है कि जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होते हैं जो मुख्य कार्यक्रम है जो कि निम्नलिखित है। तो कौन कौन से है, तो मैंने आपको बताया ना कि जो इसका मुख्य कार्यक्रम है वो परेड होता है। तो परेड होने के पहले कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं ये भी आपको जानना यहाँ पे बनता है। तो पहले हम देखेंगे कि प्री परेड इवेंट्स कौन से हैं, परेड होने के पहले कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो जो भारत का गणतंत्र दिवस है ये 23 जनवरी से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो पूरा गणतंत्र दिवस का जो समारोह है ये समारोह 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक ये समारोह चलता है। 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक, पहले क्या था कि ये 24 जनवरी से चलता था, 24 जनवरी से लेकर के आगे 29 तक। लेकिन यहां पे क्या हुआ ना कि 2022
में जो पराक्रम दिवस है, यानी कि थोड़ा सा यहां पे चेंज हुआ है कि 2022 से पहले क्या है कि भारतीय गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं 23 जनवरी से, मतलब 2022 से ही 23 जनवरी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2022 में सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस, क्योंकि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, आप सभी लोग इससे भली भांति वाकिफ हैं, तो उस जयंती को भी, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह को भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल कर लिया गया 2022 से। इसलिए 2022 से जो आपका गणतंत्र दिवस है वो 23 जनवरी से मनाया जाता है। तो जो कार्यक्रम है 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक ये पूरा समारोह चलता है, ठीक है। कैसे कैसे समारोह होते हैं, क्या होते हैं, वो भी हम थोड़ा समझेंगे अभी, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि 23 जनवरी से, क्योंकि इस दिन पराक्रम दिवस भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसी से यह शुरू हुआ है। तो खासतौर से देखेंगे, और 23 जनवरी हो गया है 2022 से, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जब ये प्रारंभ हो गया अब 23 तारीख से, तो इसमें क्या होता है कि गणतंत्र दिवस पर उसके बाद भाषण, तो भाषण क्या होता है, ये भाषण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन संबोधित करता है, भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, संबोधित क्या करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन देश के राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्र का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, इस वजह से गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। लेकिन ये 26 जनवरी के दिन नहीं, गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को देश को संबोधित करते हैं अपने भाषण के द्वारा भारत के राष्ट्रपति। यह संबोधन आमतौर पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के भाषण के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और राष्ट्र की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के दृष्टिकोण को यहां पे रेखांकित किया जाता है इस भाषण में राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के बाद फिर अमर जवान ज्योति पे पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। अब ये जो समारोह है, और ये समारोह पूरा हम लोग 23 तारीख से 29 तारीख तक जो समारोह होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। 23 को पराक्रम दिवस जो कि मनाया गया, उसके बाद फिर 25 तारीख को राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया, उसके बाद अब 26 तारीख को क्या होता है, गणतंत्र दिवस के सुबह सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति जो युद्ध स्मारक है उस पे जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और यह दिन आधिकारिक स्मरणोत्सव का शुरुआत का प्रतीक है कि जो भी जवान है, जो देश के लिए मर मिटे या जो देश के लिए अभी भी काम करते हैं, देश चाहे कोई भी बटालियन हो, उन सबको समर्पित। तो जाकर के गणतंत्र दिवस की सुबह भारतीय प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पे पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर, और ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति ही फहराते हैं 26 जनवरी को, राष्ट्रपति कर्तव्य पथ जो कि पूर्व में राजपथ था ना जो दिल्ली में, उसका नाम अब बदल गया है, उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है, वहां पर पहुंचते हैं और भारत के राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। इसके बाद फिर राष्ट्रगान बजाया जाता है और फिर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, क्योंकि आपको याद है ना कि जब पहला गणतंत्र दिवस 1950 में हुआ तो 21 तोपों की सलामी के साथ उसकी शुरुआत हुई थी, तो यहां पर भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है 26 जनवरी का या गणतंत्र दिवस का, वो क्या है, द रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस परेड, फिर वो कार्यक्रम यहां पर होता है। तो गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्रीय ध्वज जब फहरा दिया जाता है उसके बाद प्रारंभ होता है, और यह गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य भाग होता है। इस पे क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें हर बार होती हैं, ठीक है ना, कि परेड में कुछ झलकियां भी शामिल होती हैं जो हर बार होती है। क्या क्या होता है कि भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की मार्चिंग टुकड़ियां यहां पे परेड करती हैं, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, हर साल 26 जनवरी पे पूरा देश देखता है लाइव, तो ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। डेयर डेविल्स द्वारा मोटरसाइकिल का स्टंट किया जाता है, जो साहसिक जवान होते हैं वो क्या है कि मोटरसाइकिल स्टंट भी करते हैं। यहां पे जीवंत झांकियां यहां पे प्रदर्शित की जाती है, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां यहां पे होती हैं, सरकार के विभागों और मंत्रालयों का भी प्रतिनिधित्व करती हुई झांकियां 26 जनवरी के कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाती है। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य दल भी आकर के यहां पे अपने अपने लोक नृत्य का गणतंत्र दिवस के परेड में प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमानों के द्वारा मनमोहक फ्लाई पास्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर ये परेड का समापन हो जाता है।
तो शुरुआत के बाद जब इंद होता है इस परेड समारोह का, तो वहां पे जो वायुसेना है, वायुसेना क्या करती है, फ्लाई पास्ट करती है, और फ्लाई पास्ट होने के बाद ही यह परेड समारोह समाप्त हो जाता है, यह ध्यान में रखिएगा, और यह हर साल होता है। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो अब परेड हो गया, तो परेड के बाद भी कार्यक्रम होते हैं, तो पोस्ट परेड इवेंट्स कौन से हैं? तो परेड के बाद के कार्यक्रम है कि जो भी विजेता है, चाहे वो वीरता पुरस्कार के विजेता हो, पद्म पुरस्कार के विजेता हो, उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दे दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है गणतंत्र दिवस की शाम को ही, 26 जनवरी की शाम को भारत के राष्ट्रपति संबंधित पुरस्कार विजेताओं को, जो भी विजेता है चाहे वो पद्म पुरस्कार से संबंधित हो, वीरता पुरस्कार से संबंधित हो, इन सब विजेताओं को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद एक समारोह होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह और समापन जिसे कहा जाता है। यह बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, और इसी के आयोजन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाता है। तो ये पूरा जो इवेंट है जो हर साल 26 जनवरी को ऐसा भारत में मनाया जाता है, ये उसका पूरा एक क्रम वाइज ये पूरा सीक्वेंस था जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब यह 75वां गणतंत्र दिवस है जो 2024 में मनाया जा रहा है। क्या खास है इसके बारे में, तो ये 2024 का 75वां गणतंत्र दिवस है, पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा है। इसकी 75वीं वर्षगांठ होने के कारण यह सभी भारतीयों के लिए एक विशेष अवसर और उत्सव भी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, वो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी तरीके से इस बार का ये हमारा 75वां क्या है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और भी महत्व हो जाता है ये महत्वपूर्ण सभी देशवासियों के लिए। और इस बार के गणतंत्र दिवस 2024 की थीम भी है, सभी लोग ध्यान में रखेंगे किस थीम के साथ है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इस थीम के साथ, क्योंकि जो भारत है वो पूरे विश्व में अगर भारत को कहा जाए तो भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, और ये पूरे देश का विचार भी है, पूरे विश्व में भारत को इसी तरीके से जाना जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, इसीलिए पूरे विश्व में। तो इस बार की थीम क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसके बाद देखिए तो ये जो विषय है, जो इस बार की थीम है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप चुना गया है इसको इस बार, क्योंकि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है, वैश्विक रूप से भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए ये इस पे क्या होता है कि विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में प्रतिबिंबित होंगे, ठीक है, और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को भी प्रदर्शित किया जाता है, वही जो परेड की झांकी होती है उसके द्वारा। फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, आर्थिक रूप से क्या हुआ, विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न राज्य अपने लोक कला, इन सबको इसके तहत यहां पर प्रदर्शित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके महत्व को जब हम लास्ट में देखेंगे ना तब कंक्लूड होगा, तब आपको इसके इसका पूरा निचोड़ पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो एकदम इन तक जरूर दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो इस पे अगर हम आगे बात करें तो जो ये 75वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, 2024 की प्रमुख खासियत क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हो रही है आज के दिन, वो हम देखेंगे। तो महिला केंद्रित गणतंत्र दिवस परेड, देखो परेड तो हर साल होता है, लेकिन इस बार महिलाओं को केंद्रित गणतंत्र दिवस परेड भी ये मुख्य आकर्षक है इस बार के 75वें गणतंत्र दिवस का। इसमें क्या है कि कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित होगी, महिला मार्च टुकड़ियां परेड का प्रमुख हिस्सा होंगी इस बार, ठीक है। इस पे क्या होगा कि पहली बार है कि परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों के द्वारा किया जाएगा, इसके पहले भी करती थी लेकिन ऐसा पहली बार है 75वें गणतंत्र दिवस पे कि 100 महिला कलाकार इस परेड की शुरुआत करेंगी, और भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि बजाते हुए महिलाएं पहली बार इस कार्यक्रम को की शुरुआत करेंगी, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा। और इस परेड में पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा गया है, तो ये देखा जाएगा क्योंकि आज का एक दिन का ही पूरा कार्यक्रम है जो मैं यहां पे मैं बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें आज के दिन ऐसा हुआ और ये पहली बार है महिलाओं को खास तौर से फोकस करके। सीएपीएफ दल में भी महिला कर्मी शामिल होंगी इस पे,
और कुल मिलाकर भारत गणतंत्र दिवस परेड 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस बार महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व है जो परेड होता है गणतंत्र दिवस पे, तो इसलिए ये इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इस बार के गणतंत्र दिवस पे फ्रांसीसियों की भागीदारी है, फ्रांसीसी सेना भी इस बार हमारे भारत के परेड में हिस्सा लेगी और इसलिए लगी कि मुख्य जो अतिथि है वो चीफ गेस्ट वो फ्रांस के ही है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां की भी सेना भाग लेती है, उसको भी आगे भी देखेंगे हम लोग की कौन मुख्य अतिथि है। हम लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों देखेंगे कि कौन है इस बार। तो फ्रांस की 33 सदस्यीय बैंड टुकड़ी और 95 सदस्यीय मार्चिंग दल भी 75वें गणतंत्र भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ साथ फ्रांसीसी वायुसेना भी अपने एक मल्टी रोल ट्रैंकर ट्रांसपोर्ट विमान, दो राफेल विमान और इस वर्ष के फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के साथ फ्रांस की वायुसेना भी भाग लेगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो विशेष अतिथि के रूप में इस बार किसानों को शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा है कि जब भारत के किसानों को शामिल किया गया है गणतंत्र दिवस समारोह में और इस बार ये विशेष अतिथि के रूप में है। ये बहुत बड़ी बात है इस बार की, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए लगभग 1500 किसानों और उनके जीवन साथियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। इस पे कौन कौन से हैं, जैसे कि जो किसान उत्पादक संगठन है एफपीओ के किसान प्रतिनिधि उनको बुलाया गया है, पीएम किसान और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के जो लाभार्थी परिवार हैं उन लोगों को इस बार बुलाया गया। तो 1500 किसान उनके परिवारों को इस बार विशेष अतिथि के रूप में भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बुलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। यह निमंत्रण सरकार के जन भागीदारी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि देश के कल्याण में प्रत्येक लोग की भागीदारी है और किसानों की भागीदारी तो सर्वप्रमुख है, आप सभी को पता है। किसानों को आमंत्रित करने का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करना है। ये किसान भी जो कि महत्वपूर्ण हमारे देश के आर्थिक स्रोत का हिस्सा है, इसलिए ये किया गया है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। झांकियां इस बार में निकाली जाएंगी, हर बार निकाली जाती है, तो इस बार जो झांकी है परेड में कुल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां आएंगी और 9 मंत्रालय और विभागों की, मतलब टोटल 25 झांकियां इस बार राष्ट्रीय और सॉरी गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 25 झांकियां निकाली जाएंगी। उनमें से 16 झांकियां राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला करके होंगी और 9 झांकियां मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स के में मिला करके होंगी, तो ये ध्यान में रखिएगा इस बार 25 झांकियां इसमें निकाली गई है। इसपे एक और खास बात इस बार के लिए है कि वस्त्र स्थापना अनंत सूत्र अंतहीन धागा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। अनंत सूत्र अंतहीन धागा, टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ये क्या है कि इस गणतंत्र दिवस 2024 के हिस्से के रूप में खास तौर से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र अनंतिम धागा नामक एक वस्त्र स्थापना का प्रदर्शन करेगा। यह झांकी निकलेगी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसकी खास बात क्या है कि भारतीय साड़ी को एक शानदार श्रद्धांजलि के रूप में एक अनूठी स्थापना से देश भर से लगभग 1900 साड़ियों और पर्दों का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार स्थापित किए गए वस्त्रों में एक QR कोड भी लगे होंगे जिन्हें स्कैन अगर करने के बाद उस वस्त्र के बारे में, उसकी बुनाई कढ़ाई इन सब के बारे में, उसकी कला के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तो ये इस बार का एक अनूठा प्रदर्शन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये इस तरीके से भी है जैसे आप ये देख रहे हैं द सारी मैप ऑफ इंडिया, इस तरीके से इसका प्रदर्शन होगा। ये है ना अनंत सूत्र, ये देखिए भारत की नारी इन साड़ी, ये स्लोगन के साथ किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से राज्य है वहां पे उस कलर की साड़ियों का जो खास है, जैसे आप यहाँ पे बनारस को देख रहे होंगे बनारसी साड़ी के साथ, या हर जगह पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे गुजरात में या इधर वेस्ट बंगाल हर जगह का इस तरीके से है। और एक खासियत और यहाँ एक QR कोड के साथ इसका प्रदर्शन इस बार किया गया है, उससे कोई स्कैन करेगा तो उस जगह के कला बुनाई कलाकार सबके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इस बार के गणतंत्र दिवस का एक खास है, इसे सभी लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इस बार स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी गणतंत्र दिवस में जारी करेगा रक्षा मंत्रालय। उसके बाद राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता है, ये भी इस बार
नई प्रतियोगिता है जो इसमें की जाएगी। ये गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई, ठीक है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों में देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाने के लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ध्यान में रखना। इस बार क्या क्या चीजें हुई है, इस बार जैसे और देखें तो वंदे भारत 3.0, ये वंदे भारतम 3.0 के क्या है, तो ये नृत्य प्रतियोगिता है वंदे भारतम, इसका तीसरा संस्करण है ये, जो कि वंदे भारतम 3.0 का आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का हिस्सा बना। और इस प्रतियोगिता से चुनी गई महिला कलाकारों के समूह गणतंत्र दिवस परेड 2024 के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, जो भी महिलाएं इस नृत्य प्रतियोगिता के द्वारा चुनी जाएंगी वो कर्तव्य पथ पे प्रदर्शन करेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो वीर गाथा 3.0 के बारे में, तो ये रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में वीर गाथा के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है, ठीक है। इसमें कुल 100 स्कूली छात्रों को सुपर 100 घोषित किया गया है और ये सभी 75वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे, इसलिए खासियत है इन सभी लोगों ने आज के गणतंत्र दिवस परेड में भाग भी ले लिया है। वीर गाथा जो है वो अखिल भारतीय पहल है, इसके बारे में भी आप जान लें, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव में शुरू किया गया था ताकि स्कूली बच्चों को सशस्त्र बलों द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों और बलिदान के बारे में शिक्षित किया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखें भारत पर्व, तो पर्यटन जो पर्यटन मंत्रालय है ये दिल्ली के लाल किले पे भारत पर्व का आयोजन करेगा, ठीक है। और ये सभी जो कार्यक्रम है ना ये सभी 23 से लेकर के 29 जनवरी वाला है, उसी बीच का है, तो ध्यान में रखिएगा। इस पे की जो थीम है जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी, इस थीम को प्रतिबिंबित करते हुए इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, शिल्प बाजार के साथ साथ अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट का भी प्रदर्शन लाल किले पर किया जाएगा भारत पर्व के नाम से, तो ये सब इस बार की खासियत है। उसके बाद बात करें तो पराक्रम दिवस को इस बार शामिल किया ही गया है, आपने देखा मतलब लास्ट ईयर से ही शामिल है। तो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाल किले पर पराक्रम दिवस कार्यक्रम के आयोजन की भी योजना बनाई गई है। इस लाल किले में जो कार्यक्रम होगा वो पूरा कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक कार्यक्रम होगा। इस पे क्या है कि विभिन्न गतिविधियों में जैसे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट एंड साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग विद प्ले डांस, इन सब के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहां पे प्रदर्शित किया जाएगा पराक्रम दिवस के थीम पे, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये सब इस बार का हिस्सा है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है। उसके बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा जो कि सबसे अंतिम समारोह है और इसका समापन 29 जनवरी 2024 को विजय चौक पर आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के द्वारा फिर इसका समापन हो जाएगा। इस बीटिंग रिट्रीट समारोह में क्या होगा, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और CAPF के बैंड के द्वारा बजाई जाने वाली सभी भारतीय धुनें यहां पे सुनाई जाएंगी। और इस पे एक और कार्यक्रम है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी जिसमें लोग सैनिकों की देशभक्ति और बलिदान को उजागर करते हुए भारतीय धुनें गा सकते हैं या बजा सकते हैं और उन्हें माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और जो भी इस पे टॉप में आएगा उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये भी खास बात है इस बार के लिए, ये ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट। अगर इस पे हम देखें तो इस बार के मुख्य अतिथि कौन है, जैसे हमने विशेष स्पेशल गेस्ट के बारे में तो जान ही लिया, विशेष अतिथि के बारे में तो चीफ गेस्ट कौन है इस बार के, तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो इस बार के चीफ गेस्ट हैं, इन्हें आमंत्रित किया गया है। ऐसा छठी बार है जब फ्रांस का कोई नेता भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि है, ठीक है। तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुएल मैक्रो, इसलिए फ्रांस की सेना भी इस बार राष्ट्रीय परेड में हमारे भाग ले ली है। इससे पहले अगर हम 2023 की बात करें गणतंत्र दिवस की, तो यहाँ पे मिस्र के राष्ट्रपति आए थे लास्ट ईयर, अब्देल फतह LCC चीफ गेस्ट थे, इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ खास है इनके बारे में मेरी विशेष की, कैसे किसी देश के
प्रमुख को बुलाया जाता है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये भी आपको जानना यहाँ पे बनता है। तो इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया था, जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, उस समय मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अगर मुख्य अतिथि जो चुनने की प्रक्रिया है ना, यह कार्यक्रम से 6 महीने पहले से ही यह प्रारंभ हो जाती है कि किस देश के प्रमुख को बुलाया जाए। काफी विचार विमर्श होता है और बहुत सारी औपचारिकताओं के बाद फिर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस पे भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की यात्रा प्रतीकात्मक भरी होती है और यह भारत और आमंत्रित राष्ट्र के बीच संबंधों को बनाने, नवीनीकृत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार इसका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व भी अधिक है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को चीफ गेस्ट बुलाएंगे तो उस देश के साथ आपके संबंध कैसे हैं उसको पहले ध्यान में रखना होगा और उस संबंध को और भी बेहतर हर तरीके से, चाहे राजनयिक संबंध हो चाहे कूटनीतिक संबंध हो, उन संबंध को और बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आमंत्रण देने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान दिया जाता है। किसी भी देश के प्रमुख को अगर हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि भारत और उस देश के बीच जो संबंध है उसकी प्रकृति कैसी है, संबंध अच्छे हैं या नहीं, उस प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। भारत के राजनीतिक, वाणिज्यिक, सैन्य और आर्थिक हित को ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार इस अवसर का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक हो, वाणिज्यिक हो, सैन्य हो, आर्थिक हो, आमंत्रित देश के साथ इन संबंधों को मजबूत करने के लिए हमेशा जो है वो क्या है कि भारत सरकार इसका कोशिश करती है। उसके बाद क्या है कि एक ऐतिहासिक कारक जो कि आप यहां पर ध्यान में रखिएगा क्या है कि एक ऐतिहासिक कारक के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात मुख्य अतिथि के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और गुट और खास तौर से यह भी ध्यान में रखा जाता है ना कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है, नाम के बारे में आप सभी लोग भाती हैं, उनके साथ उस देश का जुड़ाव का कैसा है, ये भी यहां पे खास तौर से ध्यान में रखा जाता है। इस पे अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह का जो महत्व है, इस महत्व के बारे में जो आपके लिए खास है यहां पे, ये महत्व क्या है, तो गणतंत्र दिवस समारोह की अगर हम महत्व की बात करें तो यह है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है कि भारतीय गणराज्य का जो पर्व है, जो उपलक्ष्य है, यह भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह महत्व है, यह आपको कॉन्सेप्ट अगर कभी गणतंत्र दिवस या कोई देश में एकता, अखंडता, इन सब चीजों से संबंधित कभी निबंध वगैरह लिखने को आ जाए तो आप वहां पर जोड़ सकते हैं कि जो पर्व इसका क्या महत्व है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है, ये जो हमारे लोकतंत्र का जो आदर्श होता है उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है गणतंत्र दिवस। सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सभी लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का, भारत के राज्य, यूनियन टेरिटरी, सभी इसका हिस्सा बनते हैं, ठीक है ना, कि गणतंत्र दिवस समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत, कला, इन सब का प्रदर्शन होता है। तो कहीं कहीं ये भारत की सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि को भी गणतंत्र दिवस उजागर करता है। तो ये सब इसके महत्व हैं। इसके महत्व के बाद अगर हम बात करें, शिक्षा और प्रेरणा की बात है, ये महत्वपूर्ण राजनीतिक मील के पत्थर की स्मृति के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह युवा पीढ़ी को, खासतौर से युवा पीढ़ी को, हमारे संविधान पर आधारित मौलिक दर्शन और मूल्यों के विषय में शिक्षित करता है। इसके साथ ही वे नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं और उन्हें हमारे राष्ट्र के प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं, खासतौर से किनको, युवाओं को। इसके बाद महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे देता है कि गणतंत्र दिवस जो परेड होता है वो कहीं ना कहीं विविधता में एकता, क्योंकि आप देखते ना हर राज्य की यहाँ पे कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, परेडों का आयोजन होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की झांकियां आती हैं, तो आपको पता है भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस जो है विविधता में एकता लाने या एकता का प्रदर्शन करता है और ये वैश्विक मंच पे इसका प्रदर्शन होता है, होता भारत में है लेकिन विदेश के जो चीफ गेस्ट आते हैं उन्हें भी ये सब सारी बातें दिखती हैं। कि साथ साथ सांस्कृतिक उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत, कला रूप और उपलब्धियों को झांकियों के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की विशाल विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करना भारतीय समाज की मूल जो विशेषता है, विविधता में एकता, इसका प्रदर्शन है।
ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि है, आजादी के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिखाए गए साहस और बलिदान की याद दिलाता है। ठीक है, चिंतन का दिन है कि जिस तरीके से समारोह के हिस्से के रूप में घटनाएं सामने आती हैं, यानी जैसे परेड, कार्यक्रम, देश का कल्चर, ये सब जो चीजें आ रही हैं, चाहे तकनीकी रूप से देश जो प्रोग्रेस कर रहा है उसकी झांकियां आ रही हैं, आर्थिक रूप से हो रहा है उसकी झांकियां आ रही हैं, जो भी प्रदर्शन आता है वो एक नवोदित लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में समक्ष चुनौतियों पर काबू पाने से लेकर के मजबूत, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र की ओर प्रगति तक भारत की अविश्वसनीय यात्रा की एक झलक देता है। कि जब हमारा देश आजाद हुआ, पहले हमारा देश गुलाम था, जब आजाद हुआ, आजादी से लेकर के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक और 75वें गणतंत्र दिवस तक क्या उपलब्धियां हैं, किसके क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां भारत ने हासिल की है, इस पे चिंतन करने का ये एक एक तरीका है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी झलक है। इस प्रकार यह एक तरह से आत्मनिरीक्षण और चिंतन का दिन है कि हमने पहले से कितना डेवलपमेंट किया और कितना सुधार कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान में रखिएगा कि गणतंत्र दिवस जो है वो क्या है, आत्मनिरीक्षण और चिंतन का दिन है देश के लिए। उसमें भविष्य के लिए प्रतिज्ञा भी है कि राष्ट्र द्वारा की गई प्रगति पर चिंतन करने के साथ साथ भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करना और की जो संकल्प की भावना है वह नागरिकों में पैदा करता है। यह इंपॉर्टेंट है। समारोह के दौरान तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण पर जोर एक अधिक समृद्धि और समावेशी राष्ट्र के मनोभाव नागरिकों को हृदय में भरता है। तो यह सब इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। रणनीतिक संदेश भी जाता है कि गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है और साथ ही सरकारी संगठनों की झांकी राष्ट्र द्वारा की गई विकासात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है और ये सभी अपने देशवासियों में आश्वासन की भावना पैदा करने के साथ साथ विश्व में एक रणनीतिक संकेत भी प्रसारित करते हैं भारत के प्रति। तो ये है, तो भारत का ये सब विश्व वैश्विक स्तर पर, मैंने भी उनको बोला था ना, वैश्विक स्तर पर प्रसारित होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। भारत के कूटनीतिक संबंधों को इससे मजबूती मिलती है कि जो आमतौर पे जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भारत में बुलाया जाता है, जो चीफ गेस्ट होते हैं, उन देशों के साथ भारत के संबंध, राजनयिक संबंध, कूटनीतिक संबंध, ये सभी इस पे क्या है कि मजबूत होते हैं, क्योंकि गणमान्य व्यक्ति, मीडिया, विदेशी भी मीडिया सभी आते हैं। तो मुख्य अतिथि के रूप में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में निमंत्रण देता है, जिसके जरिए क्या है कि भारत के कूटनीतिक संबंध भी देशों के साथ मजबूत होते हैं। तो ये सब इसका महत्व है। आप इसका निष्कर्ष भी देख सकते हैं इस तरीके से कि महत्वपूर्ण राजनीतिक मील के पत्थर की स्मृति से अधिक भारतीय गणतंत्र दिवस भारत की यात्रा, पहचान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उत्सव है, जो उसकी विविध आबादी को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। यह अतीत के बलिदानों को श्रद्धांजलि देने, वर्तमान की उपलब्धियों का जश्न मनाने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने का दिन है जहां राष्ट्र प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।